सीतामढ़ी के एनडीए के जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और यह मामला मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज कराया गया है। इसकी सुनवाई 2 जुलाई को मुकर्रर की गई है। बताते चले कि बीते दिनों यादव मुस्लिम और कुशवाहा जाति को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वे उनका काम नहीं करेंगे। इसको लेकर जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता अहियापुर के दिलीप कुमार कुशवाहा आहत हुए, जिसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते दिनों सीतामढ़ी में जेडीयू के सांसद के द्वारा यादव मुस्लिम के साथ कुशवाहा जाति को लेकर के की गई टिप्पणी से कुशवाहा समाज की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। इस मामले में परिवादी के अधिवक्ता हरिओम कुमार ने बताया कि सांसद सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा एक बयान में यादव मुस्लिम और कुशवाहा समाज को लेकर बयान दिया गया था। इसको लेकर दिलीप कुमार व उनके समाज के लोग को आहत होने की भावना को लेकर परिवार दायर किया है, जिसमें आईपीसी की धारा 505 और 501 के तहत कराया गया है और इस मामले में सुनवाई की तिथि 2 जुलाई 2024 को मुकर्रर किया है। आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में सीतामढ़ी के निवर्तमान सांसद माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के ऊपर परिवार दायर किया हूँ, जो माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तिथि निर्धारित की गई है 2/7/2024 को। जो बीते कुछ दिन पूर्व जन संवाद यात्रा में जो निकले थे माननीय सांसद के द्वारा, जो खुले मन से जाति सूचक खास करके कुशवाहा यादव मुस्लिम समुदाय के लोगों को बोला गया, जो मैं कुशवाहा समाज मुस्लिम समाज और यादव समाज का काम नहीं करूँगा, तो मैं ये सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ जो कैसे वो इन्होंने एक शपथ लेते हैं जब, तो उन्हें एक संविधान के दायरे में आकर के, और उन्होंने कहता है बोलते हैं जो निष्पक्ष कोई भेदभाव नहीं करूँगा और मैं सभी का काम करूँगा। तो एक तरह से आप ये बताइए, जो जनता जनप्रतिनिधि चुनते हैं जनता को, इसलिए जो सुख दुख में उनके साथ रहे, ना कि इस तरह की बयानबाजी जो दिए हैं उनसे काफ़ी समाज में आक्रोश है। यह अविलंब यह पुनः जनता के बीच में जा करके और इस बयान को वापस ले, और आज न्यायालय में परिवाद जो दायर हुई है इस पर हम लोग आगे भी इसकी मांग करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से, जो चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान ले और अविलंब इनकी सदस्यता रद्द की जाए। दिलीप कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर। यह केस हुआ है जो तत्काल सीतामढ़ी से जो सांसद निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिलीप कुमार कुशवाहा, उन्हीं के तरफ से मुकदमा किया गया है और भादवी की धारा 505 और 501 में हमने मुकदमा उनके विरुद्ध किया। यही मामला है। सुनवाई की अगली तिथि 2/7/24 निश्चित की गई। आरोप है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा जाति के लोगों को काम नहीं करें, जिनसे लोगों में आहत है, लोग उनकी बात से, हम भादवी की धारा 505 और 501 में मुकदमा किए।